तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बू यहाँ आए थे? क्या? उन्हें किसी ने बता दिया कि तुम भोपाल में हो? कौन है? यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही? जी, ये सब हम बाद में नहीं सोच सकते, मुझे बहुत भूख लगी है। ओके। हमें बहुत बुरा लगता है जब हर वक्त अप्पू को उनके मुताबिक चलना पड़ता है, उनके सामने सर झुकाना पड़ता है, लेकिन वो भी तो हमारे खानदान का एक हिस्सा है, वो हमसे अलग तो नहीं। उन्होंने कभी भी हमें उनके खानदान का हिस्सा नहीं समझा, बस सिर्फ एक सौदा किया है हमारे साथ। अरे हमें नहीं चाहिए उनका ये घर, नहीं चाहिए उनका बिजनेस। मैं तो कहती चलो यहाँ से सब लोग। राशिद, हमारा ये फैसला रजिया को सुना दो। राशि, आपने सुना नहीं हमने क्या कहा? जी जी अम्मी। और इस तरह बाजी में यहाँ पहुंची। वो तो सब ठीक है मरियम, और अब तुम करोगी क्या? बाजी, मैंने भाईजान को बता दिया है, वो मुझे लेके दुबई चले जाएंगे। और रोटी है क्या? हाँ रोटी। चावल खाओगी? चावल है। देखो मरियम, यहाँ किसी को नहीं पता है कि तुम्हारा निकाह नहीं हुआ, इन्हें मतलब है तुम निकाह से भाग गई थी। और ये तो बिल्कुल भी नहीं पता कि मैंने तुम्हें निकाह से भगाया था। और वो जहां पना सिक्स पैक्स है ना, उन्हें तो किसी भी कीमत पर ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम यहाँ पे हो, समझी? यस पुप्पी। क्या हुआ, तुम्हें भूख लग रही है क्या? डिनर ठीक से नहीं किया था? नहीं मैंने, हाँ 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 मैंने डिनर ठीक से नहीं किया था। वो क्या हुआ ना, जब मैं डिनर कर रही थी तो मुझे भूख ही नहीं थी, अभी अचानक से मुझे बहुत ज्यादा भूख लगना शुरू हो गई। तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना मैं कुछ खा लूं, तो फिर मैं यहाँ के कुछ खाने लग गई, तो बस खाने ही वाली हूँ। लेकिन तुम खड़ी हो कि क्यों खा रही हो? बैठो, मैं परोस देती हूँ। रुकिए रुकिए, आप क्यों सर्व करेंगी? मैंने कर लिया सर्व, देखिए ना। मैं इसे लेके रूम में जा रही हूँ, आप भी रूम में चले जाइए और खाइए। मेरा मतलब है आप भी रूम में जाइए और सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा जोया, हाँ? मैं ये कह रही थी कि तुम्हें अगर कुछ भी चाहिए हो ना तो मुझे प्लीज बता देना। मैं पक्का आपको बता दूंगी, इनफैक्ट मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मैंने ले लिया सब कुछ। ओके ओके ओके, आई गॉट इट। प्लीज आप जाइए और सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम्हें पता है मरियम, इतनी टेंशन तो मुझे कभी इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखते हुए नहीं हुई जितनी अभी हो गई थी जब पुप्पी आई तो। बच गए। तुम्हें पता है मरियम, जब तक तुम्हारे भाईजान नहीं आ जाते ना, तब तक ना
मुझे तुम्हें स्टोर रूम में छुपा के रखना पड़ेगा। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम यहाँ पे हो, समझी? आराम से खाओ। हाँ भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है? मैं जानती हूं आपको मुझसे क्या बात करनी है, और आप ये भी जानते हैं कि मेरा जवाब क्या होगा। आप चाहें भी तो भी ये घर छोड़कर नहीं जा सकते। हम यहां से जा तो जरूर रहे हूं मेरा बेगम, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपको हमसे छुटकारा मिल जाएगा। अरे सिर्फ एड्रेस ही तो बदल रहा है, बाकी सब कुछ तो सेम है। आपकी हमारी दोस्ती, हमारा जिंगोवाटी गैंग, सब पहले जैसा है। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। उमेरा बेगम, आज जो आपने हमारे लिए किया है ना, उसे हम कभी नहीं भूल सकते। मुझे तो एक पल के लिए लगा था कि आप हाँ कह देंगी। और हम हाँ कह देते तो मैं आपसे निकाह कर लेता। फिर चाहे ये जिंदगी भर की सजा ही क्यों ना होती। जैसे हम ऐसा होने देते कि हम आपको पागल लगते हैं जो आपसे निकाह करेंगे? हाँ, अगर चाहे कोई जबरदस्ती करे तो हम आपको कभी माफ नहीं करते। वो मुस्कुरा के कहती हैं कि वो हमें कभी माफ नहीं करेंगे। उन्हें क्या पता कि उनकी सजा में भी हमें कितना मजा आता है। हाँ यार, आप भी ना। मालूम है, नहीं सुधरूंगा। सिर्फ अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक सुकून की जिंदगी गुजारना चाहता हूं, बस। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बड़ी चीज है ये आरजू भी, मगर विसाले यार सिर्फ आरजू की बात नहीं। राशिद मियां, चाहता तो इंसान बहुत कुछ है, लेकिन चाहने और पाने में फर्क होता है। पाता इंसान सिर्फ वही है जो उसकी किस्मत में होता है, और किस्मत इंसान खुद लिखता है, और आपने खुद अपने हाथों से अपनी किस्मत लिखी है राशिद मियां। अब अगर आप ये घर छोड़कर जाते हैं तो आपको सुकून की जिंदगी नहीं, हवालात की हवा मिलेगी। बाकी तो आप खुद समझदार हैं। सत्रह साल तक मैंने आप लोग की खिदमत की है, आपके बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा है, और इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आजाद कर दीजिए। आजाद तो आप सिर्फ तब तक है राशिद मियां जब तक इस घर में है, और इस घर में वैसा ही होता है जैसा मैं चाहती हूं। अल्लाह न करे अगर आपने मेरी मुखालफत की तो मुझे भी वाजिब कदम उठाना ही पड़ेगा।
समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? आप मेरे जाल में फंसे हुए हैं राशिद मियां, और मैं कभी आपको इस जाल से निकलने नहीं दूंगी, क्योंकि अगर आप अलग हुए तो ये बात सामने आते देर नहीं लगेगी कि परसों पहले जिस गुनाह के साए से बचकर आप इस घर में छुपे हुए हैं, वो गुनाह बेशक किया आपने हो, लेकिन करवाया मैंने था, और मैं ये बात किसी भी हाल में दुनिया के सामने आने नहीं दूंगी। अजी, ये अयान भी ना हमका मुझे सताते रहते, पता नहीं उन्हें मुझे सताने में इतना मजा क्यों आता है। करवाजी, मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। नहीं बाजी, मेरे और आयन के बीच सब कुछ नहीं है। लेकिन तुम तो चाहती थी ना कि ऐसा कुछ हो। वो मेरा बेगम, तुम सबसे झूठ बोल सकती हो, अपनी बाजी से नहीं। तुम तो भाईजान से इतनी मोहब्बत करती हो कि उनकी खुशी के लिए अपनी जान देने वाली थी। उमेरा, तुमने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? मुझे आयन की मोहब्बत चाहिए, नहीं चाहिए। और बाजी, अन हम मोहब्बत नहीं करते, और वैसे भी एक तरफा प्यार पीड़ी का कोई भी का कामयाब नहीं होता। भुमेरा, रो मत, फिक्र मत करो, मैं भाईजान से बात करती हूँ। नहीं बाजी, नहीं, प्लीज प्लीज अब उनसे कुछ मत कहिए। मैं इस तरह घुट घुट के छीनूंगी और कभी जाहिर नहीं करूंगी। मेरा प्यारा दूर रहेगा, दूर चला है कि मरियम भागकर भोपाल ही आई है, और वो उस लड़की से मिलना जरूर चाहेगी जिसे तुमने चाहा था। कि कुछ पता चले तो हमें खबर जरूर कर देना। सॉरी मरियम, मैं तुम्हें यहाँ स्टोर रूम में रुकने के लिए कह रही हूँ, बट मैं क्या करूँ? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हें पता है, जहाँ पना सिक्स पैक्स ने मुझे आज ही वॉर्न किया है, और जहाँ पना का गुस्सा तुम जानती नहीं हो। आप बिल्कुल परेशान मत होइए बाजी, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं वही बहुत है, और जिस जहन्नुम में मेरे अम्मी अबू मुझे भेज रहे थे उससे तो कोई भी जगह अच्छी होगी।
फिक्र मत करो, जल्दी ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी, और तुम्हें पता है तुम्हारा एक बड़ा सा घर होगा, और जब मैं वहां तुमसे मिलने आऊंगी एज अ गेस्ट, तो एक रात तुम्हारे स्टोर रूम में जरूर रुकूंगी, फिर शायद मेरी गिल्ट थोड़ी सी कम हो जाए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा शेरी, ऐसा कुछ होने से पहले हम ये घर छोड़ देंगे। उन लोगों ने हमें हर वक्त जलील किया और हम उन्हें बर्दाश्त करते रहे। हमें बहुत बुरा लगता है जब हर वक्त अब्बू को उनके मुताबिक चलना पड़ता है, उनके सामने सर झुकाना पड़ता है। अगर आप ये घर छोड़कर जाते हैं तो आपको सुकून की जिंदगी नहीं, हवालात की हवा मिलेगी। मिस फारूकी, आप यहां क्या कर रही हैं? पहले आप बताइए कि आप यहां क्या कर रहे हैं? मैंने आपसे सवाल पहले पूछा था। हाँ, लेकिन वो रूल है ना, लेडीज फर्स्ट, तो उस हिसाब से आप पहले जवाब दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने आपकी आर्ट सुनी और मैं। और आप अपनी नींद छोड़ के मुझे देखने आ गए? मिस्टर खान, आपको मुझ में इतना इंटरेस्ट कब से होने लगा? व्हाट नॉनसेंस, जो आप में कोई इंटरेस्ट नहीं, कभी होगा भी नहीं। मैं बस चाहता हूँ खामोशी से जाकर सो जाएं और मुझे भी सोने दें। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, अब आप जाइए और सो जाइए। गुड नाइट। गाने की आवाज कहां से आ रही है? गाने की आवाज स्टोर रूम से आ रही थी। कौन सी आवाज, कौन सा गाना मिस्टर खान? आपको कोई गाने की आवाज सुनाई नहीं दी? नहीं, मुझे लगता आपके कान बज रहे थे। मेरे कान बिल्कुल ठीक है। नो मिस्टर खान, मेरा मतलब है ऐसा कैसे हो सकता है मिस्टर खान की वो आवाज सिर्फ आप ही को आ रही थी? आप कहना क्या चाहती हैं? मैं पागल हूँ, ये सब इमेजिन कर रहा हूँ? नहीं नहीं मिस्टर खान, मैंने ऐसे कब कहा? मैं तो कह रही हूँ कि जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो ना तो ऐसा होने लगता है। आई थिंक यू नीड रेस्ट, प्लीज आप जाइए और सो जाइए प्लीज।